हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1 कप चावल का आटा है, उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम कलौंजी और मंगरेल जो बोलते हैं, इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे चाट मसाला और एक हरी मिर्च काट के डालेंगे। तीखा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप खाते हैं। और यहाँ पर एक छोटी मीडियम साइज की प्याज है, इन्हें भी हम बारीक काट लिए हैं। थोड़ी सा धनिया का पत्ता डाल देंगे और यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच घी। आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं या कुछ मत डालिए, स्किप कर दीजिए, लेकिन घी डालने से थोड़ी सी काफ़ी खस्ता बनेगी। और यहाँ पर हम आधा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला डाल दिए हैं। और यहाँ पर हम ले लिए हैं गरम पानी और इनको अच्छी तरह से हाथों से मिला लेंगे। और जो घी हम डाले हैं, सर्दियों में घी जम जाती है, तो इनको पूरी अच्छी तरह से आटे में घी को मिला लेंगे। घी डालने से काफ़ी क्रिस्पी बनती है। तो इनको धीरे धीरे, पानी गर्म पानी है उतना ही गर्म लेंगे जितना कि हाथ बर्दाश्त कर सकें आटे में। तो इन्हें धीरे धीरे डालते हुए अच्छी तरह से एक डो बना लेंगे, जैसे हम आटा रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा गूंद लेंगे। एक बार पानी नहीं डालेंगे, जितनी की ज़रूरत होगी उतने ही डालेंगे और इन्हें अच्छी तरह से गूंद लेंगे आटे को। तो देखिए, बहुत ज़्यादा आटे की तरह नहीं गूंदना है, बस 1 मिनट के अंदर आटा गूंद जाती है। तो देखिए, आटा तैयार हो गया। अब इसे रख देते हैं साइड में, रेस्ट बिल्कुल नहीं करानी है, तुरंत बनाएंगे लेकिन साइड में रखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिए हैं 1 लिफाफे, जो गिफ्ट वाली आती है, मिठाइयों के डब्बे के ऊपर होती है, या घर में जो सब्जी वाली आती है, कपड़े वाली आती है, आपके पास जो भी हो आप वो लिफाफा ले सकते हैं। तो इनको हमने 4 बार फोल्ड कर लिए थे और इन्हें ऐसे सर्कल में काट लेंगे। तो देखिए, काटने पर हमें ये बड़ा लग रहा था, तो हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा चाहिए। तो फिर हमने उसी तरह से 4 बार फोल्ड कर लिए थे और इन्हें थोड़ा सा छोटा करेंगे। काटना बहुत इजी है, तो ऐसे 4 बार फोल्ड करेंगे और कॉर्नर से पकड़ के इनको ऐसे गोल सर्कल में काट लेंगे। तो देखिए, हमने ऐसे काट लिए हैं, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे हम काट के, जब हमारे पास लिफाफे ऐसे हार्ड वाले आते हैं ना, तो हम 4-5 इकट्ठे काट के रख लेते हैं, फिर हम यूज करते रहते हैं। तो लिफाफे भी कट चुके हैं, आटा भी 1 मिनट ही हम जब तक लिफाफा काट रहे तब तक ही रखे थे। तो अब इन्हें हाथों से मिला लेंगे। और देखिए, हमने यहाँ पर 4 पार्ट कर लिए हैं, आप छोटा बड़ा जितना कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो इनको एक चकली के ऊपर लिफाफे को रख लिए, नीचे हम चकली रखे, आप चाहे तो सेल्फ पर डायरेक्ट लिफाफा रख सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे बहुत, घरों में ना सेल्फ पे रोटियां बनती है तो हमारे बच्चे नहीं खाते हैं ऐसे, तो हम चकले पर ही रोटियां बनाते हैं। और उसके ऊपर लिफाफे रख लिए हैं और इन्हें हाथ में हल्का सा पानी लगाएंगे और उसी पानी के हेल्प से ही हम लिफाफे पर रोटियों को हाथ से प्रेस करते हुए बनाएंगे। आप छोटा बड़ा मोटा पतला जैसे बनाते हैं उस हिसाब से बनाइए, लेकिन हमने छोटी रोटी बनाई है और बहुत पतली बनाई है, ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है। अब लिफाफे को हाथ पे उठा लेंगे और इनको लिफाफे के हेल्प से आप तवे पर रखेंगे तो लिफाफा है वो सेक से ख़राब हो सकती है। तो फिर आप हाथ पे रखिए और इस पे रखिए, टूटेगा बिल्कुल ही नहीं। वैसे ज़्यादातर तो मक्की के चावल की रोटी टूट जाते हैं, पर ये इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं टूटेगी। हमने तवे पर डाल दिए, ऊपर से 1-2 बूंद तेल डाल दिए हैं ताकि तवे में चिपके नहीं। और उसके बाद हम पलट लेंगे और आप अपने हिसाब से तेल, घी, बटर जो भी चाहे वो लगा सकते हैं, या आप तेल ना लगाएं वैसे भी खा सकते हैं। कई लोग ऑयली चीज़ें नहीं पसंद करते हैं, तो आप सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस पे थोड़ा सा परोठा जैसे बनाते हैं ना, उसी तरह से बना रहे हैं। तो इन पे हल्का हल्का घी लगाएंगे और इन्हें दोनों तरफ से उलट पलट के सेक लेंगे। चावल के रोटी हमारी मम्मियाँ, चाची, दादी बहुत बनाती थी इस तरह से, पर चूल्हे पर सेकती थी, तेल नहीं लगाते थे। तो उसी तरह से उन्हीं का रेसिपी हम बना रहे हैं, पर हम यहाँ पर तेल लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो आग वगैरह है नहीं सेकने के लिए, गैस ही है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तो थोड़ी अच्छी होगी। और आजकल के बच्चे
वो चीज़ें नहीं पसंद करती, इस तरह से खा लेंगे। तो देखिए हमने सारे ऐसे बना बना के रेडी कर लेंगे, और आप इसको चाय के साथ, अचार के साथ, सब्जियों के साथ, जिसके साथ चाय खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है। चावल की रोटी इस तरह से बनाएंगे तो ऊपर से हमने थोड़ी सी धनिया के पत्ते आटे में तो हम डाले थे, लेकिन ऊपर से भी थोड़े से धनिया के पत्ते, थोड़ी सी कलौंजी, दो चार दाने ऊपर से डाल के बना दिए हैं। तो बिल्कुल नान जैसी लग रही थी, तो जैसे नान मिलता है ना वैसे थोड़ा सा हमने दिए हैं। तो ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो आप भी इस तरह से बना के खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप चावल ग्राइंड में पीस सकते हैं, मार्केट से ले आ सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप बना के ज़रूर खाइए। सर्दियों में ये चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं। यहाँ पर हमने अचार और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, उसके साथ हमने सब किए थे। बट हाँ, हमने बच्चों को इस तरह से दिए थे, लेकिन मैं अचार और चाय के साथ मैं खाई थी, तो मुझे बहुत टेस्टी लगे थे। क्योंकि हम ऐसे ही खाते थे, बच्चे चाय नहीं पीते हैं, तो उनको हम सब्जी के साथ दिए थे। तो आप भी इस तरह से बना के इंजॉय करिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर प्लीज़ 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 कर दीजिएगा, और कमेंट भी करिएगा आप लोग।